हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब रोज़ की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। इससे पैसों की बचत भी होगी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि अपने कमोड यानी कि टॉयलेट सीट को बहुत ही ज़्यादा हाइजीन कैसे रखें और साथ ही उसमें गुलाब की खुशबू भी महकती रहे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कोई सैलेड वगैरह काटते हैं या कोई भी सब्जी हम काटते हैं तो उसके छिलके छिलने के बाद किचन में फैल जाते हैं। तो आप जिस भी सब्जी को या किसी भी सैलेड को जिसको आप काट रहे हैं, इनको वॉश करने के बाद आप इनके नीचे एक न्यूज़पेपर बिछा दें और सारे छिलकों को इस न्यूज़पेपर में छिलने के बाद एक ही जगह इकट्ठा कर लें और न्यूज़पेपर को अच्छे से चारों तरफ से फोल्ड करते हुए ही आप इसको डस्टबिन में फेंकें। ऐसा करने से सारे छिलके एक ही जगह न्यूज़पेपर में इकट्ठे हो जाएंगे और आप इसको जब डस्टबिन में फेंकेंगे तो अगर इनको गाय वगैरह भी खाएगी तो इजीली वो इनको खा सकती है और इससे किचन भी हमारी साफ सुथरी रहेगी। हम इजीली इसको मोड़कर फेंक सकते हैं। आप कभी भी इन छिलकों को पन्नी में डालकर ना फेंके क्योंकि पन्नियों समेत ही गाय इनको खा जाती है, जो इन गायों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। और इस तरह से आप एक ही जगह इकट्ठा करके इजीली सारे डस्ट को फेंक सकते हैं। आई होप आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह के आटे को लेके। फ्रेंड्स, अक्सर हमारा थोड़ा सा आटा बच जाता है। ऐसे तो हमें आटा उतना ही गूंथना चाहिए जितना कि हमें यूज़ करना हो। हमें हमेशा रोटियों के लिए फ्रेश आटा ही गूंथना चाहिए क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन अक्सर अगर थोड़ा सा आटा बच भी जाता है और फ्रिज में रखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सख्त और टाइट हो जाता है, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप मेरे पास है। हमारे पास जो रोटी का डब्बा होता है, इसे हम कैसेरोल भी कहते हैं, इसको हम ओपन कर लेंगे और ये अंदर से पूरा स्टील की बॉडी का होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी हमको नहीं डालना है। अब एक से डेढ़ गिलास के करीबन मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है और अब इस गर्म पानी के अंदर हम अपना आटा वाला टिफ़िन जो कि स्टील का होना चाहिए, इसको हम इसके अंदर रख देंगे और कुछ सेकंड तक ही हमें इसको रखना है। करीबन 10-15 सेकंड तक हमें इसे रखना है और उसके बाद तुरंत ही हम इसे निकाल देंगे। तो स्टीम में क्या होगा कि हमारा आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आपने अपना आटा प्लास्टिक के टिफ़िन में रखा है तो वो प्लास्टिक माइक्रोवेव वाला होना चाहिए, यानी कि उसको हम माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। तो उस टिफ़िन को भी हम इस गर्म पानी के अंदर रख सकते हैं, कुछ सेकंड तक ही हमें रखना है। और ये देखिए, स्टीम में रखने के बाद हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इस गर्म पानी को भी आप फेंके ना, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का डिश वॉश डालकर आप इससे बर्तन भी वॉश कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा हमारा कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। ये प्रोसेस आप जब फॉलो करें, जब आपको और रोटियाँ बनाने की बहुत जल्दी हो, और अगर आपको जल्दी नहीं है तो 5-7 मिनट पहले आप रोटी के टिफ़िन को फ्रिज से बाहर निकाल दें, उससे भी आप रोटियाँ बना सकते हैं क्योंकि ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगली टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अगली टिप भी हमारी इस रोटी के टिफ़िन को लेकर ही है। जब भी हम गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं और टिफ़िन के अंदर रखते हैं तो उनमें नीचे की तरफ स्टीम से हल्का नमी और गीलापन आ जाता है, जिससे कि नीचे की रोटियां हमारी पूरी तरह ख़राब हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह एक न्यूज़पेपर की डबल लेयर हम लगा लेंगे और उसके ऊपर से हम इस तरह से एक कॉटन क्लॉथ लगाएंगे या कोई भी किचन टॉवल हम इस तरह से रख लेंगे और उसके ऊपर ही हम अपनी रोटियों को रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी नीचे की रोटियां स्टीम से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी क्योंकि उनमें स्टीम नहीं आएगी। जो भी स्टीम और जो भी नमी आएगी वो न्यूज़पेपर के ऊपर ही आएगी। तभी रोटियां ख़त्म होने के बाद आप इजीली इस न्यूज़पेपर को हटा सकते हैं और दूसरा न्यूज़पेपर आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी रोटियों में बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी और आपके नीचे की रोटियां भी हमेशा सेफ रहेंगी। और जब भी आप दोबारा से रोटियां बनाएं तो इस न्यूज़पेपर को और इस कॉटन के कपड़े को चेंज कर दें। जब भी आप नई रोटियाँ बनाएं तो तुरंत ही इस न्यूज़पेपर को हटा दें, चेंज कर दें, क्योंकि जितनी भी स्मेल या नमी होती है तो उसकी वजह से हमारी रोटियों में जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो ये देखिए, अब आपकी रोटी हमेशा नर्म, मुलायम और सेफ रहेंगी। तो आई होप आपको ये टिप भी जरूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के बचे हुए कोलगेट को लेके। फ्रेंड्स, अक्सर हम इसको खाली और बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा कोलगेट होता है। लेकिन इजीली से हम इसमें से उस कोलगेट को नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारी उंगलियों में दर्द होने लगता है। तो इसको निकालने के लिए हम बेलन से इस तरह से पीछे से राउंड राउंड घुमाते हुए सारे कोलगेट पेस्ट को आगे की तरफ इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से बेलन को हमें चलाना है। अब सारा कोलगेट ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि इजीली कोलगेट हमारा निकल जाएगा।
अब इस बचे हुए कोलगेट को भी 1 से 2 बार हमारी पूरी फैमिली यूज़ कर सकती है। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आया होगा और इससे हमारी पैसों की बचत भी होगी। टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अगली टिप है हमारी इस तरह के सफ़ेद छोलों को लेकर। सफ़ेद छोले हों या काले छोले, अगर हम ओवरनाइट के लिए उनको भिगोने रख देते हैं तो छोलों को तो हम दूसरे फ्रेश पानी में बॉयल कर लेते हैं और इनके पानी को हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इनका पानी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो इस पानी को आप बेकार समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें और इनको बेकार समझकर इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये पानी इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो आप चाहें तो इस पानी का सेवन भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में हल्का काला नमक डालकर आप इसको पी सकते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन सिस्टम को भी बढ़ाता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। लेकिन अक्सर हम लोगों को इसका पानी अच्छा नहीं लगता पीने में, तो आप फिर भी इस पानी को फेंके ना, आप इसको पौधों में डाल सकते हैं, क्योंकि पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर का काम करते हैं और गुणों से भरा ये पानी पौधों में बहुत ही अच्छा खाद का काम करता है और पौधे आपके जल्दी ग्रो होंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो इन छोले या चने का जो भी पानी होता है आप बेकार समझ कर उसको ना फेंके, इस तरह से आप उसका यूज कर लें। आई होप आपको यह टिप भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक कर दें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के कागज के लिफाफे को लेकर। फ्रेंड्स, अक्सर हम कोई सामान अमेजोन से या किसी भी साइट से मंगवाते हैं जिसमें अक्सर इस तरह का एक लिफाफा आता है, जिस लिफाफे को हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, इस लिफाफे को आप बेकार समझ कर फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये पूरी तरह कागज का होता है और ये पानी एब्जॉर्बिंग होता है। ये लिफाफा हमारे बहुत ही ज्यादा यूज का होता है किचन में, यानी कि किचन में हमारी बहुत तरह की सब्जियां होती हैं जिनको हम इस लिफाफे के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं आने देता। तो फ्रेंड, जिस तरह से मैं ये हरी मिर्ची को इस लिफाफे के अंदर स्टोर करके रख रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्चियों को मैंने अच्छे से वॉश करके एकदम ड्राई कर लिया है, बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं होना चाहिए। और अब इन हरी मिर्चियों को मैं इस लिफाफे के अंदर डाल दूंगी और इस लिफाफे के अंदर डालने के बाद अच्छे से इसको मोड़कर पैक करने के बाद इस लिफाफे को हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रखने से इन मिर्चियों में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा और ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी और बहुत लंबे समय तक आपकी ये मिर्चियाँ चलेंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम वेजिटेबल मार्केट से कुछ वेजिटेबल लेके आते हैं तो उनके अंदर भी इस तरह के लिफाफों में कुछ सब्जियों को पैक करके रखा रहता है, तो इसके अंदर पूरी तरह से ये सेफ रहती हैं और इस तरह के ये कि मोटे लिफाफे पानी भी अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर की तरफ से इनको अच्छे से मोड़ लेंगे और अब इनको हम फ्रिज के अंदर रख लेंगे। तो आपकी 10 दिन तक ये मिर्चियाँ बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस तरह से मैंने मिर्चियों को इस लिफाफे के अंदर पैक कर लिया है और अब इस लिफाफे को हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। तो अब हमारी मिर्चियाँ पूरी तरह से सेफ हैं और जितनी आपको चाहिए उतनी आप निकाल कर यूज़ कर सकते हैं और इस पैकेट को फिर से फ्रिज में रख दें। इस तरह से बेकार पड़े हुए लिफाफे का भी हम अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको टिप पसंद आई हो। टिप पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो लास्ट टिप है हमारी, कमोड में बिल्कुल भी स्मेल ना हो और हमारा जो टॉयलेट सीट है वो एकदम हाइजीन और खुशबूदार बनी रहे। तो उसके लिए हम टॉयलेट सीट के अंदर डालेंगे खुशबूदार गुलाब का फूल। जी फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, हम टॉयलेट सीट के अंदर डालेंगे रोज। तो वैसे तो फूल के बहुत सारे यूजेस होते हैं लेकिन ये यूज बिल्कुल यूनिक है। एक गुलाब का फूल और थोड़ा सा डिश वॉश डालकर हम अपने टॉयलेट सीट को बहुत ही ज्यादा हाइजीन और खुशबूदार बना सकते हैं। इसके लिए हम एक लेंगे डिश वॉश, आप कोई भी डिश वॉश ले सकते हैं। मैंने ये नींबू की शक्ति वाला डिश वॉश लिया है और इसको थोड़ा सा ही हमें कट करना है और हमें इस डिश वॉश की जो पॉलीथीन है ये हमें चाहिए, क्योंकि इस साबुन का जो ये कवर होता है ये प्लास्टिक का होता है। तो हमें हल्का सा डिश वॉश लेना है, बस थोड़ा सा ही हमें इस तरह से कट करना है। आप वैसे तो कोई भी साबुन इसके अंदर डाल सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा डिश वॉश ही डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें नींबू की शक्ति होती है और इससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग भी होती है। जैसे हमारे बर्तन चमकते हैं सेम इसी तरह से हमारी टॉयलेट सीट भी चमक जाएगी। तो इतना सा टुकड़ा ही मैंने लिया है और इस टुकड़े को छोटे टुकड़ों में काट कर हम डाल देंगे इसको इसी के कवर के अंदर, क्योंकि इसका कवर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है और प्लास्टिक कवर जल्दी से पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो इस प्लास्टिक कवर के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी टिकिया डिश वॉश की। तो इस बर्तन धोने की टिकिया को मैंने 2-3 पीस में छोटा छोटा तोड़ दिया है और अब इस प्लास्टिक के कवर के अंदर, यानी कि इसी विम के कवर के अंदर मैं इन टुकड़ों को डाल दूंगी। और अब साथ ही में मैं डालूंगी एक गुलाब का फूल और उससे पहले हम डालेंगे 1-2 स्लाइसेस लेमन की। तो वैसे तो इस साबुन में ऑलरेडी नींबू की शक्ति होती है लेकिन फिर भी मैं 1-2
स्लाइस लेमन की भी इसके अंदर डाल दूंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी टॉयलेट सीट में जितनी भी गंदगी और पीलापन होगा वो सभी इस लेमन से रिमूव हो जाएगा। बिना मेहनत किए ही हमारी टॉयलेट सीट एकदम क्लीन, हाइजीन और खुशबूदार हो जाएगी। तो ये देखिए, दो तीन स्लाइस मैंने लेमन के पतले पतले निकाल लिए हैं और इन लेमन के स्लाइसिस को भी मैंने इसी साबुन के कवर के अंदर डाल दिए हैं। और साथ ही में अब हम डालेंगे एक गुलाब का फूल। तो आप चाहें तो गुलाब का फूल ऐसे ही डाल सकते हैं या फिर आप इसकी पंखुड़ियाँ तोड़कर भी डाल सकते हैं। तो गुलाब डालने से क्या होगा कि हमारा जो टॉयलेट है वो एकदम गुलाब की तरह महक उठेगा। फ्रेंड्स, आपने पहले के टाइम में राजा महाराजाओं को भी देखा होगा कि वो गुलाब के पानी से ही अपना फेस धोते थे और नहाते थे, क्योंकि इस गुलाब की खुशबू बहुत ही अमेजिंग होती है। घर सजाने के लिए तो हम गुलाब का यूज़ करते ही हैं, तो क्यों ना हम इसको टॉयलेट सीट के टैंक में भी डालें। इससे हमारा बाथरूम भी महक उठेगा। और अगर आपके पास गुलाब ना हो तो आप इस तरह का रोज़ वाटर की भी कुछ बूंदें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये गुलाब का फूल अपने गमले में ही लगे हुए गुलाब के पौधे में से इस फूल को तोड़ा है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी खुशबूदार साबुन डाल सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसका कवर होगा वो प्लास्टिक का ही होना चाहिए और वो कागज़ का कवर नहीं होना चाहिए, वरना वो पानी में एकदम जाते ही पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और आपने जो भी चीज़ डाली है वो जल्दी से पानी में एकदम मिक्स होकर घुल जाएगी और पहली बार में ही फ्लश आउट करने पर सारी खुशबू और पानी निकल जाएगा। लेकिन इस तरह प्लास्टिक के कवर में आपकी साबुन और खुशबू काफ़ी दिनों तक बनी रहेगी और लंबे समय तक भी वो चलेगी। तो ये देखिए, इस पैकेट को ऊपर से टेप की हेल्प से हम अच्छे से सील कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने ये मोटी चौड़ी वाली टेप लगाई है और अच्छे से हम इस पैकेट को लॉक कर देंगे टेप की मदद से। और अब इस पैकेट के अंदर हम छोटे छोटे पिन की हेल्प से होल कर देंगे ताकि इसकी खुशबू, साबुन, महक सब बाहर आ जाए और हमारे पानी में घुल जाए। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप इस तरह के कागज़ के कवर का यूज़ ना करें, क्योंकि ये एकदम ही पानी में घुलकर एकदम मेल्ट हो जाएगा और आपकी सारी चीज़ें एकदम पानी में मिल जाएंगी और एक बार में ही फ्लश आउट करने के बाद सारी चीज़ें पानी के साथ मिलकर निकल जाएंगी, तो वो लंबे समय तक नहीं चलेंगी। लेकिन इस तरह से प्लास्टिक के कवर में रखने के बाद ये लंबे समय तक चलेंगी। तो अब हम इस पैकेट के अंदर छोटे छोटे होल कर देंगे सुई की हेल्प से या पिन की हेल्प से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से छोटे छोटे होल मैंने पूरे पैकेट में आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों साइड में कर लिए हैं ताकि पैकेट के अंदर डाला हुआ हमारा जितना भी फ्लेवर या सॉल्यूशन है सारा ही पानी में मिल सके और इस तरह से धीरे गुलाब की खुशबू भी इस पैकेट से बाहर आती रहे और पानी में मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस पैकेट के ऊपर मैंने छोटे छोटे होल कर लिए हैं और अब हम इसको डालेंगे अपने टॉयलेट सीट के टैंक के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम टैंक का ढक्कन हटा लेंगे और जिस भी साइड में स्पेस है उस तरफ से हम इस पैकेट को डाल देंगे। तो अब इसकी खुशबू और साबुन सभी धीरे धीरे पानी में डिसॉल्व होंगे और जितनी बार हम फ्लश आउट करेंगे उतनी बार वो हमारे टॉयलेट सीट को एकदम हाइजीन, क्लीन और खुशबूदार रखेंगे। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।